आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आ जाता है 2 पावर x-1 इज इक्वल टू 3 पावर x+1। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस इक्वेशन में भी हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। लॉगरिथम्स के जो रूल होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। दोनों साइड पर हम लोगों ने लॉग ले लिया। ठीक है, जैसा हम लोग कहते हैं ना, दोनों साइड पे हम लोगों ने ये नंबर ऐड कर दिया, तो हम लोग कहेंगे दोनों साइड पे हम लोगों ने लॉग अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब लॉग में हम लोगों के पास जो पावर रूल आता है, पावर बाहर आ जाती है, लॉग और वो नंबर आ जाता है। इसी तरह से हम लोगों ने एक्स माइनस वन इसकी पावर थी वो बाहर आ गया, लॉग टू आ गया। इसी तरह से एक्स प्लस वन बाहर आएगा और लॉग थ्री अंदर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एक्स लॉग टू माइनस वन। अब हम लोगों ने जो एक्स माइनस वन था, इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, लॉग अप्लाई कर लिया। ठीक है, एक्स को भी हमने लॉग टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हमने वन लॉग टू इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे भी एक्स प्लस वन था तो एक्स लॉग थ्री प्लस लॉग थ्री आ जाएगा। अब हमारे पास जो लॉग टू है और लॉग थ्री है, ठीक है, अब एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और जो सिंपल लॉग है उसको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, माइनस एक्स लॉग थ्री आ जाएगा। और इस साइड पे माइनस लॉग टू था तो वहाँ पे जाके लॉग टू हो जाएगा, पॉजिटिव लॉग टू हो जाएगा, प्लस लॉग थ्री आ जाएगा। अब हम लोगों के पास क्या आ जाता है इस साइड पे, अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, log 2 माइनस log 3 आ गया इज इक्वल टू log 3 प्लस log 2 आ गया। अब अगर देखा जाए तो x को हम लोग इसी साइड पे रखें और log 2 माइनस लॉग थ्री डिवाइडेड बाई लॉग टू माइनस लॉग थ्री को हमने डिवाइड कर दिया। मीन्स एक्स को हमने सिंपल एक साइड पे रखा, लॉग टू माइनस लॉग थ्री को हम लोग दूसरी साइड पे ले गए, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लॉग टू माइनस लॉग थ्री किया, मीन्स के लॉग टू माइनस लॉग थ्री को हमने दोनों साइड पे डिवाइड किया, एक साइड पे एक्स आ गया, दूसरी साइड पे लॉग थ्री प्लस लॉग टू डिवाइडेड बाय लॉग टू माइनस लॉग थ्री आ जाएगा। अब x की वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में इसका आंसर लेके आना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि x इज़ इक्वल टू लॉग थ्री का जब हमने आंसर निकाला तो वो 0.4771 आ गया, प्लस लॉग टू का निकाला तो वो 0.301 आ गया, एंड लॉग टू का हम लोग जब लॉग टू लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप जैसे भी कैलकुलेट करेंगे, लॉग टू लिखेंगे तो आपको वो आंसर दे देगा। अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे आंसर इसके लिखे, लॉग थ्री 0.4 है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, 0.4 नहीं है, 0.4 नहीं है, 0.4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने 0.4771 प्लस 0.301 को ऐड किया तो 0.7781 आ गया। उसी तरह से हम लोगों ने नीचे वाली दोनों टर्म को जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास -0.186 आ जाता है, क्योंकि हमारे पास 0.4771 वाली टर्म बड़ी थी और उसके साथ नेगेटिव साइन था, और जब हम लोगों ने दोनों टर्म्स को डिवाइड किया तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ जाती है।